गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास सिक्स में सब्जेक्ट जो हमारा हिंदी है उसमें जो हमारा लेसन दिया गया था वो लेसन 19वां, और जो टॉपिक है वो है खूनी हस्ताक्षर। इस लेसन को हम लोगों ने ही किया था और इस लेसन में जो है हमने कविता को कलाकारों का भाव संदर्भ सहित उसकी व्याख्या भी कंप्लीट की। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि जो एक्सरसाइज है उसको हम कंप्लीट करेंगे, ओके। और एक्सरसाइज कंप्लीट करने से पहले थोड़ा सा आपको फिर से लेसन के बारे में समझा दिया जाए कि आप लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन करते हुए, ओके। तो इस लेसन में जो है सभी ने हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने जो आजाद हिंद फौज का जो गठन किया था उसमें शामिल युवकों के लिए उन्होंने जो है युवकों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने के लिए उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया था। उन्हीं विचारों को कवि गोपाल कृष्ण व्यास जी ने उनके विचारों को जो है कविता के माध्यम से व्यक्त किया। इसके बाद इस कविता में हम लोगों ने क्या कहा था कि यदि हमें कभी जरूरत पड़े अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, हमें अपने प्राणों का जो है बलिदान भी करना पड़े, यहाँ तक कि अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करना पड़े, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हम मातृभूमि का ऋण हमारे ऊपर इतना अधिक है कि हम उनका कर्ज उतारने में भी सक्षम नहीं है, क्योंकि हम सारा अपना जीवन अपना तन मन सब कुछ समर्पण करते मातृभूमि के चरणों में भी हम उनका थोड़ा सा भी ऋण उतारने में यदि समर्थ हो पाते हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए। तो इस कविता के माध्यम से हमने क्या सीखा कि हमें अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण देने के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। इसके बाद है आपके जो है इसमें आप लोगों के जो है क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि सुभाष चंद्र बोस ने बलिदान करने के लिए क्यों कहा। सुभाष चंद्र बोस ने जो है बलिदान करने के लिए क्यों कहा, पहला क्वेश्चन है हमारा। प्रश्न नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने बलिदान करने के लिए बलिदान करने के लिए क्यों कहा है। इसका आंसर क्या है, भारत माता क्या है, भारत के लिए, भारत के लिए, भारत के लिए
देवी को प्राप्त करने के लिए अपना बलिदान करो, बलिदान करो। ऐसा अनुभव बाबू ने इसलिए कहा कि आजादी आजादी का आजादी का त्योहार बलिदान करने के लिए क्यों कहा? भारत के लिए स्वतंत्रता देवी को प्राप्त करने के लिए अपना बलिदान करो, ऐसा सुझाव बाबू ने इसलिए कहा कि आजादी का इतिहास खून से लिखा जाता है। दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न है सीखों के फूल लगाने के चीजों के फूल चढ़ाने से कभी का क्या कभी का क्या आशन है? शीशों के फूल चढ़ाने से कभी का क्या आशय है? उत्तर है देश की आजादी के लिए देश की आजादी के लिए निर्दयी शासक वर्ग शासक वर्ग से मुक्ति पाने में सफलता कभी मिल सकेगी जब हम अपने शीश रूपी फूलों को आजादी की वेदी पर सर चढ़ा सकेंगे। तीसरा प्रश्न है खून को पानी के समान तीसरा
जो है आपसे पूछा जाए खून को पानी के समान कब कहा जाता है। पिछला क्वेश्चन है खून को पानी के समान कब कहा जाता है। खून को पानी के समान कब कहा जाता है। जिस खून में आजादी प्राप्त करने के लिए जोश नहीं होता है। उस जीवन में गतिशीलता ना हो, उस व्यक्ति का खून लाल त्यागी से लिखा
लिखा जाता है जिसमें बलिदानों का बलिदानों का जिक्र होता है। इसके बाद प्रश्न अंगा आजादी का परवाना किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? आजादी का परवाना आजादी का कोई साधारण परवाना कोई साधारण कागज नहीं होता है। उसे बनाने के लिए तन मन धन और जीवन का बलिदान एवं शबश समर्पण करना होता है, जिस पर अपने रक्त की उजली बूंदे गिरी होती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर चार, हस्ताक्षर की कविता क्या हस्ताक्षर से कवि का क्या आशय है? हस्ताक्षर से कवि का
बिछावा करने के लिए तैयार हो गए। आपकी ये जो एक्सरसाइज थी वो आपकी कंप्लीट हुई।